अस्सलाम वालेकुम जी। आज बहुत ही ज़बरदस्त सी चिकन कढ़ाही बन रही है। बहुत अच्छी रेसिपी है, रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी है। आपके घर में अगर मेहमान आएँ ये रेसिपी ट्राई करें, ज़रूर तारीफ़ मिलेगी इंशाल्लाह ताला। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं जी। सबसे पहले कढ़ाही में मैंने डाल दिया है 1 कप भर के ऑयल और साथ ही 1.5 किलो चिकन मैं डाल रही हूँ। मैं हड्डी वाला चिकन इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो बोनलेस चिकन के साथ भी इस कढ़ाही को बना सकते हैं। बहुत मज़े की रेसिपी है। और जब तक मैं चिकन फ्राई करूँगी, आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबाएं ज़रूर, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस के बारे में आपको सबसे पहले इत्तला मिले। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक और शेयर कीजिएगा जी। चिकन को मैं हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करूँगी, जब तक कि इसके अंदर हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। और देखें गोल्डन सा कलर आ चुका है चिकन के अंदर। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 4 से 5 अदद सब्ज़ वाली इलायची, और साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। और अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद मज़ीद 1-2 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे, ताकि जो चिकन की स्मेल है वो अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ख़त्म हो जाए। और अच्छी तरह से भुन भी जाएगा चिकन जी। मैंने 2-3 मिनट इसको मज़ीद पका लिया है। अब बाकी के स्पाइसेस इसमें मैं डाल रही हूँ। 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ जी कुटी हुई लाल मिर्च। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, मैंने 1 टेबलस्पून डाला है। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया पाउडर जी। 2 टीस्पून मैंने डाला है साबुत ज़ीरा सफ़ेद वाला। और ये 1/2 टीस्पून मैंने डाली है अजवाइन, और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स करते हैं चिकन के साथ। और जी मसालों को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 किलो टमाटर लेके मैंने उनको बारीक काट लिया था, वो शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। 1 किलो टमाटर मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि इसका जो मसाला है वो अच्छा सा बने। अगर हम इसके साथ रोटी नान खाएं तो इजीली हम मसाले के साथ उसको नवाले को लगा सकें। मुझे मसाला ज़्यादा ही अच्छा लगता है कढ़ाही में, कम मसाला मुझे नहीं पसंद। उस सालन का क्या फ़ायदा जिसके साथ आप अच्छी तरह से नवाले को लगा के खा ना सकें। इसलिए मैं जब भी कढ़ाही बनाऊं तो उसका मसाला मैं ज़्यादा ही बनाती हूँ जी। मैंने 5 से 6 मिनट के लिए ढक दिया था टमाटर डाल के, ताकि टमाटर जो हैं वो गल जाएं। और मीडियम लो हीट पे मैंने इसको ढक के पकाया 5-6 मिनट के लिए। और टमाटर गल चुके हैं, और साथ साथ हम चम्मच की मदद से इनको मैश करते जाएंगे, ताकि जो मसाला है वो बहुत ज़बरदस्त सा मिक्स सा बने। और आँच जो है मैंने फिर से तेज़ कर दी है। फुल फ्लेम पे ही मैंने आपको बताया है कि इस कढ़ाही की कुकिंग जो है वो ज़्यादा फुल फ्लेम पे ही हुई है। बस जब टमाटर डाले थे तब उसी टाइम पे हमें मीडियम लो हीट पे इसको 5 से 6 मिनट पकाना पड़ा। और साथ साथ चम्मच से मैं देखें मिक्स करती जा रही हूँ टमाटरों को। अब मैं डाल रही हूँ जी 1 कप दही, जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था। और बस अब दही में इसको पकाएंगे। इसके अंदर देखें मैंने बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं किया, टमाटरों का अपना पानी ही इतना हो गया था कि चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल गई है उसके अंदर। और हल्की आंच पे इसको नहीं पकाना, हल्की आंच करेंगे तो दही और टमाटरों के पानी की वजह से चिकन जो है वो टूट भी सकता है, बोटी टूट सकती है। और आपको पता है कि टूटी हुई बोटी फिर इतनी अच्छी नहीं लगती देखने में, लिहाजा इसको तेज़ आंच पे ही पकाना है। और बस अब हम दही के पानी को भी ड्राई करेंगे। और देखें जी पानी खुश्क होता जा रहा है कढ़ाही का। और साथ साथ मैं चम्मच से मिक्स करती जा रही हूँ मसाले को, कि अगर कोई टमाटर अभी तक मिक्स नहीं हुआ तो वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए मसाले में। और अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर 1 टेबलस्पून सूखी मेथी, जिसको मैंने अच्छे से हाथों पे मसल के डाल दिया ताकि अच्छी सी खुशबू हांडी के अंदर इसकी आ जाए। और बस अब हमें तब तक पकाना है जब तक कि ऑयल निकलना शुरू हो जाए कढ़ाही के अंदर से। और पानी देखें ड्राई होता जा रहा है। और अब आपको नज़र आ रहा होगा कि साइड्स पे ऑयल निकलना शुरू हो चुका है। और बस मैं हल्का सा इसको और पकाऊंगी ताकि ऑयल थोड़ा निकल आए जी। अब इस स्टेज पे मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 5-6 सब्ज़ मिर्चें लेके मैंने उनको 4-4 पीसेस में काट लिया था, वो डाल दिए हैं। और ये मैंने बारीक कटा हुआ अदरक डाल दिया। आप अपनी मर्ज़ी से इसकी क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही सब्ज़ धनिया डाल दिया। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हैं। और जी मिक्स करने के बाद अब मैं बिल्कुल हल्की आंच पे 4 से 5 मिनट के लिए इसको ढक दूंगी ताकि ऑयल ऊपर आ जाए और ये दिखने में खूबसूरत लगे जी। तो हमारी ज़बरदस्त सी चिकन कढ़ाई हो चुकी है तैयार। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।